सराफा दुकान में चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी का नाम धनंजय लेनुराम मारखंडे, उम्र 24 साल, विजयनगर, डिप्टी सिग्नल कलमना निवासी है। कलमना पुलिस ने गश्त के दौरान आरोपी धनंजय मारखंडे को हिरासत में लिया है। साथ ही आरोपी से 73,400 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद पाटिल द्वारा दी गई है। आरोपी धनंजय मारखंडे को गिरफ्तार करने के बाद पीसीआर हासिल किया। पीसीआर में आरोपी से चोरी के दो मामले उजागर कर चांदी की 11 जोड़ी पायल, चांदी की चेन, अंगूठी, दो पहिया वाहन सहित करीब 73,400 रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोपाल कृष्ण नगर वाठोड़ा निवासी दीपक गजानन राव मांजरे की गुलमोहन नगर कलमना इलाके में वर्मा नामक व्यक्ति के घर में किराए से लालचंद ज्वेलर्स नाम से सराफा दुकान है। दीपक गत 23 दिसंबर को रात करीब 9 बजे दुकान बंद कर घर चले गए। 24 दिसंबर को सुबह 7 बजे दुकान में चोरी की बात पता चली। उनकी दुकान के शटर को टेढ़ा कर अज्ञात चोर 55,000 रुपए का माल दुकान से चुरा ले गया था। आरोपीला ताब्यात घेतलं, त्याला विश्वासात घेतलं आणि त्याने चोरी केल्याचं कबूल केलं आणि गुन्ह्यातला त्याला दोन विधी संघर्ष बालकाने साथ दिली। आरोपी मिळाला, त्याचा पीसीआर मिळाला, त्याच्याकडनं थोडं माल जप्त केला। जवळपास 55,000 चांदीचा मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला आहे। आरोपी आता एमसीआर होऊन सेंट्रल जेलमध्ये। मुख्य आरोपीचं नाव धनंजय मारखंडे आहे। हा इथलाच आहे, विजयनगरमधला राहणार आहे आणि तो आता सध्या जेलमध्ये सदरची कारवाई आमचे पोलीस आयुक्त माननीय अमितेश कुमार सर, आमच्या जॉईंट सी पी मॅडम दोर्जे मॅडम, तसेच आमचे रिजन सर, माननीय रेड्डी सर, डी सी पी माननीय कलवाने सर, ए सी पी मॅडम माननीय अनिल अलवार मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली कमला पोलीस स्टेशन येथील डीबीच्या टीमने तयार केलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपूर।